फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपश्रीज रेसिपी। बाहर बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत बारिश हो रही है और ऐसे बारिश में तो पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। आप सभी ने बेसन और प्याज के बने हुए पकोड़े तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे कर्नाटका का बहुत ही मशहूर मैसूर बोंडा। ये यूजुअली बनता है मैदे के आटे से, लेकिन आज हम इसे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे गेहूं के आटे से। सो लेट्स स्टार्ट। मैसूर पोंडा बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप चावल का आटा, और मैंने लिया है 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, और 1 इंच अदरक जो है वो मैंने ग्रेट करके लिया है, 1 चम्मच लेना है जीरा, और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 बॉल हरा धनिया, और 7 से 8 कड़ी पत्ता के पत्ते लेने हैं, धोकर इसे बारीक काट लेना है, और ये थिन स्लाइस चॉप्ड कोकोनट, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बैटर बनाने के लिए हमें लेना है 1/3 कप दही। हमें ये गेहूं का आटा और चावल का आटा इन दोनों को पहले से छलनी में अच्छे से छान लेना है, फिर हम इस बाउल में ऐड करेंगे। सबसे पहले गेहूं का आटा, उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप छाना हुआ चावल का आटा, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, अब हम इसमें ये 1/3 कप दही जो लिया था वो ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे जब तक ये सेमी थिक बैटर ना बन जाए। इसे हमें बहुत गाढ़ा या बहुत पतला नहीं बनाना है। बोंडा को बनाने के लिए प्रॉपर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बैटर रनी है तो थोड़ा सा आटा डाल दे, और फिर अगर बहुत ही थिक बन जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, अब एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस पकोड़े को बना सकते हैं, लेकिन अगर चावल का आटा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी पकोड़े में आप अगर चावल का आटा ऐड करते हो तो वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ ओनियन, ग्रेटेड जिंजर, एक चम्मच जीरा, बारीक चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और ये स्लाइस्ड कोकोनट पीसेस। इस तरह से बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता का पत्ता डालना है। हरा धनिया। अब हम इस बैटर को 15 मिनट तक फर्मेंटिंग के लिए रख देंगे। बोंडा के साथ सर्व करने के लिए ग्रीन चटनी अब हम बना लेंगे। उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम चटनी जार में ब्लेंड कर लेंगे। बोंडा को तलने के लिए हमें तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, और तलते वक्त हमें मीडियम फ्लेम पर तलना है। अब हम इस तेल को इस आटे से एक ड्रॉप आटे से चेक कर लेंगे। ये देखिए, इससे पता चलता है कि अभी
तेल जो है बराबर गरम हो चुका है तलने के लिए। आटे को इस तरह से हाथ में लेकर इसमें अगर आपने तेल अच्छे से गरम किया होगा तो तेल में डालते ही बोंडा फूल के बड़े हो जाते हैं, और अगर गरम तेल में भी बोंडा अच्छे से नहीं फूले तो आप बैटर में थोड़ा सा और सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो बोंडा का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें 5 मिनट तक तलना है और रेडिश ब्राउन होने तक तलना है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल के इस तरह से रख देंगे। इस तरह से बाकी के बैटर के भी हम बोंडा बना लेंगे। ये जो बोंडा बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। ये सारे स्पाइसेस में जो इसमें है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। अगर आप बोंडा को इस तरह से डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो हम बोंडे को अप्पम स्टैंड पर भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और इसका भी टेस्ट बिल्कुल तले हुए बोंडे जैसे ही टेस्टी बनता है। तो गर्मा गर्म मैसूर बोंडा सर्व करने के लिए रेडी है, ये ग्रीन चटनी और रेड सॉस के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? घर पर बहुत आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करना, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी के साथ।